हाँ जी गुरु प्यारियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल अते फेसबुक पेज उत्ते। सो शुरू करदे हां आपां अज दी गलबात। सो गलबात बड़ी दिलचस्प है। गलबात आपां ने करनी है जदों खालसा राज दे विच अमरीका वर्गे देशां तों लोक नौकरी करन इत्थे आया करदे सन, जानी कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विच नौकरी कर लई इत्थे आउंदे सन। तां इदां दा ही एक बंदा अलैगजेंडर गार्डनर जो कि अमरीका का निवासी सी, वह इत्थे नौकरी करन लई आया। सो इस अलैगजेंडर गार्डनर के बारे आपां एक भाग बना भी चुके हैं पहला, तुसीं सुन सकदे हो। तो हुण आपां लड़ी नूं अगे तोरदे हुए दूजा भाग तुहाडी नज़र करन लगे हाँ। सो जिन्हां वीरां ने नहीं सुनी पहली वीडियो वह सुन लियो, डिस्क्रिप्शन दे विच आपां लिंक तुहानूं दे देना है। सो अगे हुण शुरू करदे हां कि किवें उहदा सफर अगे शुरू हुंदा ते किद्दां उह खालसा राज विच पहुंचदा ते किद्दां उहनूं नौकरी मिलदी आ। हाँ जी, सो बने रहना वीडियो तो शुरू तो लैके अंत तक, ते वीडियो नूं शेयर जरूर करना। सो खीवा खो कांड दे सफर लई हिरात तों उह कई सौ आदमियां दे जथे दे नाल चल पिया, जो मक्का तों परतदे हुए मध्य एशिया दे अलग अलग थावां ते जाण वाले सन। इस जथे ने तुर्किस्तान, खोकांड, तशकंद, यारकंद जाने लई सीधा पर मुश्किल राह अपनाया, जो बहुत खतरनाक सी अते हिंदू कुश पर्बत दियां पछमी बर्फीलियां चोटियां रही जांदा सी। पर उन्हां नूं आस सी कि यह बर्फ गर्मी के कारण पिघलनी शुरू हो जाएगी। उन्हां इत्थों चल के पहला कंडूज पहुँचना सी। रस्ते विच हजारा कबीले दे इलाके विच गुजरदे हुए उत्तरी पूर्वी दिशा नूं जाना सी, जो सीधा पर घट वरतों विच आउण वाला पहाड़ी रस्ता सी। हजारा तो गुजरदे हुए वह उत्तर वल खिलजी इलाके दे विच पहुंचे, जिथों के कबीले पहाड़ी गुफावां दे विच रहिंदे सन। अगे चल के यह थरबाहज दे काफर कबीले दे रेतले इलाके विच पहुंचे, जिथों दे लोक सूरज, चंद्रमा, अग ते पाणी दी पूजा करन वाले सन। इत्थे रेतले इलाके दे विच घूमदिआं इन्हां ने कबीले वालिआं दे नाल दोस्ती कर लई। इह दोवें खिलजी अते थरबाहज कबीले शाहपोश काफर कबीलिआं नाल ही विआह करदे सन। थरबाहज कबीले दे सरदार ने गार्डनर नूं इक निजी नौकर भी दित्ता, जो उसदे बहुत कम आया अते इक बहादुर सिपाही भी साबित होया। इत्थों चल के उह मारव दे रस्ते अंधकोह पहुंचे, जो सारा रेतला इलाका सी। इस इलाके राही पूर्व वल चलते हुए गार्डनर का मेल एक होर कारवां दे जथे दे सरदार उर्द खान दे नाल होया, जो कि खीवा जा रहा सी। उस जथे दे सरदार ने गार्डनर दी पैसे धेले नाल उसकी बीमारी समय बहुत मदद की। अजे वह चल ही रहे सन कि अचानक तुर्किस्तान के 400 घोड़सवार धाड़वियों ने उन्होंने घेर लिया अते उन्हां पासों दो पालकियां, एक सुंदर ऊंट अते कई जरूरी चीज़ां लैके उन्होंने अगे जान दिता। ये छोट एक दिन अते एक रात दी सी, जदके कोई होर अजिहा लटेरा फिर इन्हों घेर सकता सी। अजे ये कारवां दरिया अमू ऑक्सस जिन्हों कहने आपां उही पार होए सन कि 60 धाड़वी फिर आ धमके। ये धाड़वी जो इस इलाके दे सन रशियना दे बहुत खिलाफ सन अते किसे दे अफवाह फैलाउण उपर कि गार्डनर रशिया दा गुप्तचर है, वह उसका घोड़ा भी लै गए। पर कारवां दे सरदार की सिफारिश उपर खीवा दे हाकम ने जांच पड़ताल उपरंत जद सही पाया कि गार्डनर रशियन नहीं अमरीकन है, तो उसकी जान बची। बीमारी कारण गार्डनर की सेहतयाबी लई कारवां दे सरदार उर्द खान ने उसनू अपने दोस्त दे घरे उड़गंज भेज दिता। गार्डनर ने पैसे खातर मदद लई अपने जर्मन दोस्त स्टरयकी नूं लिखिया, पर उसने जवाब दिता कि वह खुद तरसयोग हालत विच है, क्योंकि खीवा वालिआं ने सब कुछ लुट लिया है। अजिहे हालातों दे विच हुण गार्डनर रशिया जाण दी सोचदा, पर वह अजे राह विच ही सी कि उसनू स्टरयकी भी मिल पिया, जो बीमारी दी हालत विच भुखा नंगा अते प्यासा सी। इत्थों गार्डनर ने थरबाहज दे कबीले दे सरदार वल्लों दित्ता होया निजी नौकर, जिसनू वह थरबाह कह के सददा सी, वापस भेज दिता अते आप खुद रशिया जाण लई समुंदरी जहाज राही अर्ल
सी ऑफ अर्ल जिन्हों कहने इतों रशिया अस्ट्राखान जा पहुँचा। वापस रशिया पहुँच के उसने अपने भरा की नौकरी दौरान मिली बकाए भत्ते की रकम जो कि किसी रिश्तेदार कोल सी वह हासिल की। वापस अपने कारवां साथी उर्द खान के कोल हुदार अदा कर लई आ पहुँचा। पर अगले तीन साल दौरान उसका सारा पैसा खर्च हो गया ते आमदनी का भी कोई साधन ना रहा। हुण उसनूं ताड़वियां दे देश विच खुद ताड़वी बन के जाना पिया अते अपनी असलियत छुपाउण लई मुसलमानी भेस उसने धारण कर लिया। कैसपियन समुंदर तों अगे उसने खतरा मुल लैंदे होए अरल सागर पार किया अते अमू दरिया के मुहाने तक जा पहुँचा। इत्थों खोकांड तों उड़ा ट्यूब पहुँचा जिथे उसके पुराने दो तीन साथी ते गुलाम थरवा भी उसनू आ मिले जिन्हों उर्द खान राही उसकी वापसी की खबर मिल गई सी। इत्थे ही गार्डनर नूं साइबेरिया तो भगौड़ा होया पोलैंड का एक आदमी मिल गया जो हुण अपने आप नूं आगा बेग अखवाउंदा सी अते तुर्की जर्मनी ते अलबानिया आदि मुल्कां दीआं गल्लां करदा सी अते फ्रांसीसी भाषा बोलदा सी। राह दे विच उड़ा ट्यूब दे हाकम ने इन्हां दे 15-20 घोड़े ते समान लुट लिया जो गार्डनर ते उसदे साथियां ने वापस लैण दी सौं खाधी। आगा बेग दे दो आदमी इस जगह दे चंगी तरह वाकफ सन अते थरवा भी जिस ते अद्धी रात नूं हमला करन दा फैसला कीता गया। इस तरह हमला करके 12 घोड़े अते कुछ समान समेत रातों रात वध तों वध इह फासला तय करदे होए समरकंद पहुँचण दी इन्हां ने सोची। सवेर दे समय उड़ा दे तीन सवारां ने उन्हां नूं रोकण लई कहा पर उन्हां नूं मार के गार्डनर ते उहदे साथी अगे वधे गए। पर हुण दिन चढ़े वह घेरे विच आ रहे सन इसलिए उन्हां समरकंद जाण दा विचार भी छड्ड दित्ता अते हजरत इमाम जाण दा इन्हां ने फैसला किया। अम्मू दरिया उत्ते पहुँच के उन्हां अपना आदमी हजरत इमाम भेजिया ता जो मदद की उम्मीद बारे पता लाया जा सके। उस आदमी ने वापस आके दसिया इन्हां नूं कि सारे तुर्किस्तान दे विच उन्हां नूं भगौड़े घोषित किया जा चुका है। इन्हां हालातों दे विच उन्हां दक्षण वल काबल जाण बारे फैसला किया ता कि उत्थे पनाह लै सकण अते दोस्त मुहम्मद खान दे कोल फौज विच इन्हां नूं नौकरी मिल जावे। इधर जाने लई उन्हां नूं उच्चे पर्वती रस्तियां विचों गुजरना पैणा सी। कंडूज दे कोल उन्हां नूं फिर तीन शाही घोड़सवार कतल करने पए जो इन्हां नूं पहचान चुके सन। रस्ते विच जगह जगह ये खुद ही पुछदे जा रहे सन कि किसे ने भगौड़े वेखे हन। आखिर वह अफगानिस्तान की सरहद उपर पहुँच गए जो उस समय इंदर आब की वादी तो कोहिस्तान का इलाका दोस्त मुहम्मद खान के भतीजे के कब्जे विच सी। सरहदी चौंकी उपर उन्हां नूं दरामद टैक्स अदा करन लई रोकिया गया जो इन्हां ने देण तों ना कर दित्ती अते मामूली झड़प हो गई। कुछ समय बाद 50 सवारां ने अपने सरदार समेत उन्हां नूं घेरे विच लै लिया। गार्डनर की पार्टी मुकाबला करन दे समर्थ नहीं सी इसलिए उसने सरदार नूं सलूट मारिया पर वह अपने गार्डां की बेइज्जती तो खफा सी अते नाल ही उसके हौसले तो खुश भी। हुण गार्डनर ने अपनी असलियत नूं दस दित्ती कि उसनूं मजबूरन अजिहा करना पिया है। इस तरह उसकी सरदार नाल जो कि दोस्त मुहम्मद खान का भतीजा हबीबुल्ला खान सी उहदे नाल इहदी दोस्ती हो गई। हुण हबीबुल्ला खान ने अपनी दर्द भरी दास्तान गार्डनर नाल भी सांझी कीती कि किस तरह उसके पिता अते वजीर आजम खान की मौत तो बाद उन्हां दा घर बार लुट लिया गया। उसकी माँ की बेइज्जती की गई उस दियां दो भैणां नाल बरसलूकी की गई जिन्हां ने मौत नूं गले ला लिया अते आखिर उसनूं भी बगावत करनी पई। गार्डनर उसकी दुख भरी कहानी सुन के उसका ही वफादार साथी ते दोस्त बन गया अते उसकी फौज दे 180 खाड़कू घोड़सवार दस्ते का कमांडर बन गया। इस दस्ते का काम हर उस कारवां नूं रोकना ते लुटना सी जो अफगानिस्तान दे विच खास करके दोस्त मुहम्मद खान लई समान लिजा रहा हुंदा सी। इत्थों गार्डनर का साथी आगा बेग उसनूं अलविदा कहिंदा होया अगे नूं चल पिया। गार्डनर ने कोई 2.5 साल इत्थे रह के बहुत ही बहादरी दे नाल हबीबुल्ला का साथ दिता
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ 20 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਹਰ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਗੀ ਟੋਲਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੇ ਹਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਵਾਰ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਮੀਆਂ ਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੰਦ ਦੇ ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਖਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਹਿਲਣਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਤਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਭਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਸੁਣਨਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਵੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।